मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो दूसरा टॉपिक है, एन रूल को डिस्कस कर रहा हूँ। एन रूल का मतलब होता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर से क्या किया जाता है, कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा या जो उपसंयोजी यौगिक होगा, हम उसकी स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर को एन रूल के बेस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या वो कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये हम सब एन रूल के बेस पे कह सकते हैं। बेसिकली जो एन रूल था वो दिया था सिडविक ने दिया था, तो इसको हम सिडविक थ्योरी भी कहते हैं। अब सिडविक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि मेटल इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड अंटिल इट डज नॉट एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। मतलब क्या है, किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से जब तक उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएं वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर ना हो जाएं। तो मतलब क्या हो गया, किसी उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु तब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहेगा जब तक उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पड़ोसी नोबल गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर न हो जाए। तो ये सिडविक ने कहा था। तो अब क्या है, एन रूल के बेसिस पे हम कैसे स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर एन रूल के बेसिस पे अगर आपका एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो सकती है, जैसे नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, अगर ये आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा और डायमैग्नेटिक होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल होगा और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा आपका, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हम एन रूल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एन रूल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एन रूल इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स प्लस एल इंटू डी इंटू टू। अब देख लेते हैं जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, एक्स क्या है ऑक्सीडेशन एटम नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, एल क्या है नंबर ऑफ लिगेंड, डी क्या है डेंटासिटी ऑफ लिगेंड। इस फॉर्मूले को नोट कर दीजिए और इसके बाद देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस बता रहे हैं हम जिसमें आपको एन रूल फॉलो करना है। जैसे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जैसे के थ्री एफ ई साइनो होल सिक्स, इस कॉम्प्लेक्स को आपको डिस्कस करना है, इसमें एन रूल निकालना है। अब जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -3। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, एफ ई साइनो होल सिक्स -3 चार्ज है, इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आता है इसलिए हम मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया है 26 क्या है आयरन का एटॉमिक नंबर, 3 क्या है -3 क्या है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, डेंटासिटी कितनी है आपकी, डेंटासिटी साइनो मोनोडेंटल लिगेंड है इसीलिए डेंटासिटी 1 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 + 12 इज इक्वल्स टू 35। 35 क्या हो रहा है, क्या ये नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर है, नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना है 36 है, क्रोमियम का सॉरी क्रिप्टन का 36 है, इसीलिए ये कंपाउंड कैसा है अनस्टेबल है, और ये कंपाउंड कैसा होगा पैरामैग्नेटिक भी होगा। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जैसे K4Fe-SiNO-Hol6, इसमें एन रूल कैलकुलेट करूंगा मैं, आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26, नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की हो गई है आपकी सॉरी यहाँ पे 2 होना था, बेसिकली इट्स शुड बी 2, मैं लेट मी करेक्ट इट, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो 26 - 2 इज इक्वल्स टू आपका हो गया 24 + 12, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, साइनो की डेंटासिटी कितनी है 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, तो ये क्रोमियम के एटॉमिक नंबर के बराबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कैसे निकाल सकते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स है कि जैसे है K3Cr C2O4 का होल थ्राइज, क्रोमेट आयन है यहाँ पे, आयरन क्रोमियम के एटॉमिक नंबर हो गए 24। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो आपकी -3 के बराबर आएगी, और प्लस
नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3। क्रोमेट ये C2O4 की डेंटासिटी कितना होती है, ये बाइडेंटल लीगेंट है, तो (2×2×2) इज इक्वल टू हो जाएगा 21+12 इज इक्वल टू 33, जो कि क्या हो जाएगा, क्या ये नियरेस्ट नोबल गैस है, नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन कितना है 36, इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब एक दो कॉम्प्लेक्स और लिखे मैंने, जैसे हो गया है CONH3 का होल 6+3, तो कैसे करेंगे, CO का एटॉमिक नंबर कोबाल्ट होता है 27, ठीक है भाई, और इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, FeCO whole 5 इस कॉम्प्लेक्स को भी आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ये एन रूल है, एग्ज़ाम में आप इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी बताइए। थैंक यू।